वेलकम टू द बेसिक्स अकेडमी स्टूडेंट्स, हम एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश का एग्जाम की। वैसे ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन, और उसका ये पार्ट वन है। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। उससे पहले, जो प्रोनाउन्स के डिफरेंट केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन्स के, अब हमको पहले वो कराते हैं। अब देखिए, बेसिकली हमारे चार केस आपके हमारे सामने आएंगे। सब्जेक्टिव केस, जहाँ पर कि प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट की तरह से। पजेसिव केस, पजेशन बताने के लिए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो आप देखेंगे, इसमें पहले हम लेते हैं आई। आप जानते हैं आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई, और किस में? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस का मतलब है जब हमारा प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है, यानी कि जब जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आई वांट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आई है वो हमने वर्ब वांट से पहले यूज़ किया है, तो ये हमारा जो आई, ये जो केस है, ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस, वो हो गया हमारा आई। आई वांट अ पेंसिल। ऑब्जेक्टिव केस, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स, वो मी होता है। अब ये कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, माई टीचर लाइक्स मी। मैंने बोला कि मेरे जो टीचर हैं वो मुझे पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे, मुझे, यानी कि मैंने अपने लिए बताया मुझे। अब मुझे के लिए जो हम यूज़ करेंगे आई का, वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो माई टीचर लाइक्स मी। अब यहाँ पर जो लाइक्स है वो वर्ब है, और जब वर्ब के बाद में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए वहाँ पर जो केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस वो होगा मी। तो माई टीचर लाइक्स मी, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। पजेसिव केस जो है वो शो होता है पजेशन बताने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, दिस इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। तो यहाँ पर मैंने इसके क्या बताया? पजेशन। पजेशन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पजेसिव केस का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज लुकिंग माई सेल्फ इन द पिक्चर, मैं पिक्चर में खुद को देख रहा था। तो खुद को, यानी कि माई सेल्फ। तो इस केस में हम जो यूज़ करते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई वॉज लुकिंग माई सेल्फ, जो सब्जेक्ट है वो खुद के बारे में बताता है, तब हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई वॉज लुकिंग माई सेल्फ इन द पिक्चर। ओके, सिमिलरली यू, जो सब्जेक्टिव केस में यू यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही होता है, पजेसिव केस योर होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं हम योर सेल्फ और योर सेल्फ्स का। वी सब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे हम के लिए वी, ऑब्जेक्टिव केस होगा में यूज करेंगे अस, पजेसिव में हम करेंगे अवर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा अवर सेल्फ्स। ही सब्जेक्टिव केस में हम वह और मेल है, यानी कि बॉय है या फिर मेल, तो उसमें हम मेल के लिए यूज़ करते हैं ही सब्जेक्टिव केस में, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जो वर्ब के बाद आएगा पजेसिव केस में हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका हिमसेल्फ। शी फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हर, और पजेसिव केस भी शी का हर होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शी के लिए यूज़ होता है हर सेल्फ। सब्जेक्टिव केस दे, यानी कि वो बहुत सारे लोग, उनके लिए हम यूज़ करते हैं दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स वो होता है देम, पजेसिव केस होता है दे का देयर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं देमसेल्फ्स। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई नाम है, फॉर एग्जांपल मोहन, तो मोहन जो है वो सब्जेक्टिव केस में जो नेम है वो मोहन ही यूज़ होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में हम उसका यूज़ करें तो उसमें भी हम नेम मोहन ही यूज़ करेंगे। पजेसिव केस में हो जाएगा मोहन से, यानी कि मोहन और अपोस्ट्रोफी एस लगाके पजेसिव केस शो किया जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्योंकि वो मेल है तो उसके लिए हम हिमसेल्फ यूज करेंगे। सिमिलरली पूजा फीमेल है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस में नेम पूजा ही यूज होगा, पजेसिव केस में पूजास हो जाएगा, पूजा अपोस्ट्रोफी एस, और क्योंकि वो गर्ल है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, तो इनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन की और आगे की स्टडी करेंगे। ये पर्टिकुलर ग्रुप एक्स एंड वाई की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।